हे गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सुबह के 7:30 बजे में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और जो हमारा सुबह का नाश्ता है वो भी हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं भाई दो दो मूवीज ऐसे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप लोग पता ही होगा, आज से एक दो सप्ताह पहले लगभग में आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ऑफिशियल ट्रेलर जो है रिलीज हुआ था तो उसको काफी ज्यादा हेट मिला था। ठीक है, उसको काफी ज्यादा हेट मिला था। और अभी रिसेंट मतलब यार कल के डेट में जब मैं ये वीडियो डालूंगा ना, तो दो दिन पहले जो हमारा अक्षय कुमार है राम सेतु मूवीज का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसका भी रिलीज हो चुका है। दोनों में ना दिखाया क्या जाएगा, मेरे ख्याल से देखो आदिपुरुष में ना आदिपुरुष में टोटली मेरे ख्याल से रामायण वाला जो सीन है, रामायण में क्या क्या हुआ था वही सब दिखाने वाला है आपको। शॉर्ट मूवीज करके शॉर्ट में दिखाया जाएगा। तो उसको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। हेट मिलने का कारण यही है कि उसका जो VFX एडिटिंग है या फिर जो उसका वीडियो शूट है, मूवी शूट है भाई, वो ना मतलब हमारे हिंदू धर्म को उल्लंघन करता है। जैसे कि जो बजरंगबली है ना, बजरंगबली जैसे लगते नहीं है, सच बता रहा हूँ। बजरंगबली जैसे लगता नहीं है, ऐसा लगता है कसाई के जैसा लगता है, सच बता रहा हूँ, कसाई के जैसा लगता है। और जो रावण बना है ना आदिपुरुष में, वो भी कसाई के जैसा लगता है। अब पूछो क्यों भैया, रावण इतना लंबा लंबा दाढ़ी ऐसा करके रखा है, कौन रखता है यार, कौन रखता होगा? मुझे तो नहीं लगता रामायण में कोई वैसा मतलब है। अगर वो रावण को अगर साधु बना देता ना और लंबे लंबे दाढ़ी रखता वैसे ब्लैक टाइप में, उसको व्हाइट कर देते तो वो चल जाता। लेकिन भाई रामायण में मतलब ये आदिपुरुष में ऐसा कुछ सीन दिखाया है, ऐसा लग रहा है जैसे कसाई मूवीज का बनाया है। और उससे अच्छा भाई सच बता रहा हूँ, और ये 500 करोड़ का मूवीज है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, उससे अच्छा तो यार एक जो कार्टून वाला आता है ना, कार्टून वाला मूवीज जो रिलीज होता है, देखा भी है शायद बाल कृष्णा ऐसा कुछ करके देखा भी है, कार्टून में आप लोगों ने देखा भी होगा, उस मूवीज से अच्छा भाई वो कार्टून वाला मूवीज है। और जो बजरंगबली ऐसा उड़ता है, बजरंगबली ऐसा लगता ही नहीं है, सच बता रहा हूँ, बजरंगबली ऐसा कुछ लगता ही नहीं है ना, मुकुट है और ना कुछ ऐसा, मतलब बजरंगबली के जैसा दिखता ही नहीं है, सच बता रहा हूँ, बजरंगबली के जैसा दिखता ही नहीं है। आप लोग खुद देख लेना, साइंस रिलेटेड वो मूवीज नहीं होता। ठीक है, अगर कुछ और मूवीज होता तो शायद मेरे ख्याल से शायद वो बहुत ही अच्छा मूवीज होता। लेकिन यार रिलेटेड जो है ना रामायण से रिलेटेड मूवीज बनाया ना, उसमें थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा। तो चलो कोई ना, मतलब आदिपुरुष के पास, मूवीज के पास भैया हमारे जो है प्रभास हीरो, ठीक है, उनके पास है भी टाइम 4-5 महीने का, क्योंकि ये मूवीज ना 2023 में जनवरी में रिलीज होने वाला है। तब तक शायद कुछ एडिटिंग हो जाए तो अच्छा खासा मतलब लग जाएगा देखने को। और वैसे भी प्रभास का जो मूवीज है, जितने भी प्रभास के मूवीज आते हैं, प्रभास हीरो के मूवीज आते हैं भाई, सारे के सारे ब्लॉकबस्टर होते हैं और बहुत अच्छी खासी कमाई करते हैं। जैसे आपने देख ही लिया बाहुबली में तो भैया रिकॉर्ड ही टूटे हैं, ऐसा कुछ सीन था। देखते हैं इस मूवी में क्या रिएक्शन रहता है लोगों का देखने के बाद। भैया ट्रेलर देखने के बाद तो भैया लोगों का रिएक्शन जो है ना बहुत ही खतरनाक हो चुका है, वो भी भड़क चुके सारे के सारे। और शायद ये ना इस ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा डिसलाइक भी मिला है, बहुत ही ज्यादा जमकर डिसलाइक मिला है। अब बात करते हैं जो राम सेतु वाला में सीन क्या है, इसमें से भी कुछ ऐसे है जो हमारे हिस्ट्री से रिलेट करता है, रामायण से रिलेटेड करता है, ऐसा कुछ सीन है। तो अभी तक ये ट्रेलर ठीक ठाक है, चल रहा है। और वैसे भी अभी आप लोगों को पता ही होगा बॉलीवुड का जो है ना बायकॉट चल रहा है, बॉलीवुड का बायकॉट। तो इस मूवीज को शायद मेरे ख्याल से, मेरे तजुर्बे से यार इस मूवीज को बायकॉट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई ये हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड होने वाला है, ऐसा कुछ सीन है। थोड़े बहुत भी हिंदू धर्म से रिलेटेड दिखाने वाले हैं और रामायण से दिखाने वाले, तो लोग देखेंगे ही और मैं भी देखूंगा, क्योंकि ये जो है ना अक्टूबर को रिलीज होने वाला है, 25 अक्टूबर को शायद, ठीक है मुझे नहीं पता, बट हाँ अक्टूबर को रिलीज होना था 25 अक्टूबर को। और जो इसका ना ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ था उस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिखा था, तो वहीं पे मैंने पढ़ा है और वही सब बताया वो देखा था। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन सा मूवी देखने जाओगे कमेंट करके जो बताना, या फिर आप लोग दोनों मूवी देखोगे? फिलहाल मैंने अभी तक बॉलीवुड मूवी तो देखा ही नहीं है, हॉल थिएटर में देखा ही नहीं है और ना ही अपने फोन में भी देखा है। तो देखता हूँ ये देखूंगा, क्योंकि ये एडवेंचर टाइप का मूवीज है अक्षय कुमार वाला जो है ना, समुद्र में जाओ ऐसा वैसा करो, एकदम पूरा एडवेंचर आने वाला है शायद, और मजा भी आने वाला है, क्योंकि यार हमारे हिस्ट्री का कुछ ना कुछ खोज करने वाला है इस मूवीज में, मतलब मूवीज में दिखाया जाएगा। तो मैं देखूंगा जरूर,
थिएटर में जाके देखूंगा या फिर अपने फोन में डाउनलोड करके देखूंगा, लेकिन देखूंगा जरूर। और भाई यदि पुरुष का तो अभी बहुत ही दिन टाइम है तो उसका भी देखूंगा, बट यार पैसे वैसे होंगे तो मैं थिएटर में जाके देखूंगा, अदरवाइज मैं घर पे ही देख लूंगा। आप लोग कहां जाओगे देखने कमेंट करके जो बताना, और आप लोगों को बिना मूवी देखे आप लोग प्लीज कमेंट में राय दो कि कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है। सच बता रहा हूँ, कौन सी मूवी जो है ना सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है, आदिपुरुष या फिर अक्षय कुमार का सेतु, राम सेतु, ठीक है? कमेंट करके जो भी सब यहाँ पे देख लो यार, यही सब मेहनत किए थे ना, वो जो अपना बारी में जो था आप लोग ऐसे कोड रहे थे वो सब अभी उगा नहीं है, बट देख लो ऐसा थोड़े बहुत सब्जी हो जाते हैं खाने के लिए। तो वही मम्मी गई थी तोड़ उड़ के लाई है कुंदरी, तो कुंदरी उंदरी भी है, मतलब यार एक दो शाम का निकल जाता है अगर रोपोगे ना तो, मतलब कुछ भी बोओगे या फिर कुछ भी लगाओगे अपने खेत या जो भी बोलते हैं आप लोग के लैंग्वेज में बारी, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा सब्जी, सब्जी खाने के लिए हरी हरी सब्जियाँ। तो वही मम्मी लेके आई है। तो भैया देखो यार मैंने नहाया नहीं, सच बता रहा हूँ मैंने नहाया नहीं है, पानी मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि बिना नहाए मैं ब्लॉग शूट कर रहा था। अभी सुबह सुबह क्या नहा धो के थोड़ी ना उतना हीरो बनने का अपने को, समझ रहे हो ना?